गुल्लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। दोस्तों, क्या आप अपने जीवन के सबसे खराब समय में से गुजर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि आपकी बदनसीबी आपका पीछा नहीं छोड़ रही है? क्या लाख प्रयास करने के बाद भी आपके घर की जो बेटियां हैं उनको सुयोग्य जीवन साथी प्राप्त नहीं हो पा रहा है? क्या व्यर्थ के, फालतू के वाद विवादों के कारण, तू तू मैं मैं के कारण, चिक चिक के कारण आपका, आपकी जो मैरिड लाइफ है, आपका जो दाम्पत्य जीवन है, वो दुखमय हो गया है? यदि हां, तो दोस्तों इस समय चल रहे वैशाख मास में भगवान विष्णु की आराधना, जल का दान करना, पंखे का दान करना, प्याऊ लगाना, मंदिर में मिट्टी के मटकों का दान करना, गरीब को छाते का दान करना आपके सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकता है, आपकी बदनसीबी को खुश नसीबी में बदल सकता है, घर में होती तू तू मैं को खुशनुमा माहौल में बदल सकता है, विवाह योग्य कन्याओं को सुंदर जीवन साथी दिला सकता है। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं पवित्र वैशाख मास के महत्व के बारे में। दोस्तों, वैशाख का जो महीना है हमें सरलता और परोपकार की भावना से जीना सिखाता है। पुराणों में वैशाख को पवित्र मास बताया गया है। हमारे जो ऋषि मुनि थे उनके द्वारा वैशाख माह में होने वाले प्रकृति के बदलावों को समझकर, उनके अनुभव और ज्ञान से इस माह के जो व्रत हैं, वो पर्व हैं, जो त्योहार हैं, उनकी रचना की गई और उनके साथ ही पालन हेतु नियम संयम को लोक व्यवहार से उसको जोड़ दिया गया, जिनमें धार्मिक कर्म होना, स्नान का, दान का महत्व भी बताया गया है। ये जितने भी विधान जो बताए हैं, ये इंसान को सादगी से रहने और हर प्राणी मात्र के प्रति संवेदना रखने की प्रेरणा देते हैं। इसीलिए वैशाख मास में तीर्थ, पवित्र स्थान या अपने निवास पर ही स्नान का बहुत महत्व बताया गया है। क्योंकि वैशाख मास में गर्मी का मौसम शुरू हो जाता है, इसलिए नियमित रूप से प्रातः स्नान करने से जहां तन को तपन से राहत मिलती है, वहीं ये जो मास है वो भगवान विष्णु की आराधना का होने से मानव को धर्म से जोड़ता है, जिससे वो तन के साथ साथ मन की शांति को महसूस करता है और उस पर जो हावी तनाव है, थकान है, वो दूर होती है, सुकून प्राप्त होता है। मौसम में बदलाव में व्यक्ति खुद को निरोगी रख पाता है। साथ ही सुबह जल्दी उठने से, कहते हैं प्रातःकाल जल्दी उठने से, व्यक्ति की जो दिनचर्या है उसमें अनुशासन आता है। जीवन में अनुशासन ही सफलता की सीढ़ी तक आगे आपको ले जाता है। और वैशाख मास की जो परंपराएं हैं वो वैसे भी मानवीय संवेदनाओं से भरी हुई है, जिनमें लोगों में मानवता की भावना जो है वो पोषित होती रही है। हर धर्म में भूखे व्यक्ति को भोजन देना, प्यासे जीव को पानी पिलाकर तृप्त करना धर्म पालन में श्रेष्ठ कर्तव्य माना जाता है। सनातन धर्म में भी वैशाख मास में ग्रीष्म ऋतु की गर्माहट में प्राणी मात्र को शीतलता देने के लिए लोक व्यवहार में इन दो बातों के साथ ही अन्य परंपराएं भी प्रचलित हुई, जिनमें जल का दान, प्यासे को पानी पिलाने के लिए प्याऊ लगाना, पंखों का दान जो ठंडी हवा देता हो, कड़ी धूप से बचने के लिए छायादार स्थान बनाना, धूप से तपती जीवन से पैरों को बचाने के लिए पद यात्रियों को जो है वो जूते चप्पल का दान करना या पादुका देना या भोजन कराना इत्यादि प्रमुख है। इसीलिए कहते हैं अपने घर के बाहर पहले, अब आजकल तो छोड़ दिया, नहीं तो एक टंकी लगा देते हैं, उसमें पानी भर देते हैं ताकि जो भी जीव जानवर हैं, गाय हैं, कुत्ते बैल इत्यादि हैं, वो जब भी उस गली से गुजरने वाले हों वो उसको जल को सेवन करते रहे। लोग घरों के बाहर प्याऊ लगाते रहे ताकि किसी भी व्यक्ति को जिसको प्यास लगी हो वो पानी पी सके इतनी भरी गर्मी के अंदर। तो ये जल का दान जो है, ये जो महीना है वो दान का ही है, और उसमें भी भगवान ने आपसे कोई हीरे मोती चांदी दान करने को नहीं कहा है। उसमें सिर्फ सिंपल सी चीज़ें, क्या सिंपल सी चीज़ें, जल का दान करना है, छाते का दान करना है, क्या ये हम नहीं कर सकते? 101% हम ये सब कर सकते हैं। पंडित जी, वैशाख मास में भगवान विष्णु की पूजा का बड़ा महत्व माना गया है, तो ऐसा क्यों है, वो जानना चाहेंगे हम आपसे। देखिए, वैशाख मास को माधव मास भी कहा गया है। माधव भगवान विष्णु का ही एक नाम है और जो शास्त्रीय मान्यता के अनुसार इस महीने में सभी तीर्थ
और देवता जो हैं वो जल में निवास करते हैं। देखिए अब वैशाख मास चल रहा है और उज्जैन में कुंभ का मेला लगा हुआ है, अमृत बन चुका है वहाँ का जो जल है। भगवान विष्णु की आज्ञा से मनुष्यों का कल्याण करने के लिए ही जितने भी सभी देवी देवता हैं वो सूर्योदय काल में पृथ्वी पर उपस्थित रहते हैं। सुबह 3 से 5 बजे तक यदि आप आकाश में निहारें तो आपको देवताओं के घोड़े जो हैं वो आपको दौड़ते हुए दिखाई देंगे, रथ दिखाई देंगे, दृष्टि होनी चाहिए। वो 3 से 5 का सुबह का जो समय होता है वो समय ऐसा होता है जब देवलोक से जो देवता हैं वो पृथ्वी लोक की तरफ अग्रसर होते हैं। इसीलिए इस वैशाख मास में प्रातः स्नान की विशेष महिमा बताई गई है। वैशाख मास में जलदान करने से कितना ही पुण्य प्राप्त होता है, तो वैशाख मास के अंदर प्रातः काल स्नान जो करना है वो बड़ा ही शुभ माना जाता है और वैशाख में जलदान करने से सभी पुण्यों की प्राप्ति होती है। भारतीय संस्कृति में वैशाख मास की जो प्रसिद्धि महत्व जो है और व्रत है वो दोनों ही रूपों में जगत में व्याप्त है। वैशाख के समान कोई मास नहीं, सतयुग के समान कोई युग नहीं, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं, गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं। कथा है कि नारद जी ने राजा अम्बरीश से कहा कि वैशाख मास को ब्रह्मा जी ने सब मासों में उत्तम सिद्ध किया है। यह माता की भांति सब जीवों को सदा अभीष्ट वस्तु प्रदान करता है। वैशाख जो मास है वो संपूर्ण देवताओं के द्वारा पूजित है। जैसे विद्याओं में वेद विद्या, मंत्रों में प्रणव, वृक्षों में कल्पवृक्ष, गायों में कामधेनु, देवताओं में भगवान विष्णु, प्रिय वस्तुओं में प्राण, नदियों में गंगा जी, तेजों में सूर्य, अस्त्र शस्त्र में चक्र, धातुओं में स्वर्ण, वैष्णवों में शिव और रत्नों में कौस्तुभ मणि उत्तम है, ठीक उसी प्रकार धर्म के साधन भूत महीनों में वैशाख मास जो है वो सबसे उत्तम है। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला इसके समान और कोई दूसरा मास नहीं है। जो वैशाख मास में सूर्योदय से पहले जो व्यक्ति स्नान करता हो उससे भगवान विष्णु जो है वो निरंतर प्रीति करते हैं, प्रेम करते हैं। ध्यान रखिए, पाप तभी गर्जते हैं जब मनुष्य वैशाख मास में प्रातःकाल जल में स्नान नहीं करता है। तो हे राजन, वैशाख के महीने में सब तीर्थ देवता इत्यादि जल में भी सदैव स्थित रहते हैं। भगवान विष्णु के आज्ञा से मनुष्यों का कल्याण करने के लिए वो सूर्योदय काल के समय में इस पृथ्वी पर इस जल में उपस्थित रहते हैं। इसलिए सुबह सुबह जल्दी उठिए, स्नान कीजिए, आलस को छोड़ दीजिए। 12 बजे स्नान करना है उसको छोड़ दीजिए, सुबह जल्दी उठ के स्नान कीजिए पूरे वैशाख मास में। वैशाख जो है सर्वश्रेष्ठ मास है और शेषनाग के जो ऊपर जो भगवान विष्णु जो विराजे हैं उनको सदा प्रिय है। जो पुण्य सब दानों से होता है, जो फल सब तीर्थों के दर्शन से मिलता है, उसी पुण्य उसी फल की प्राप्ति वैशाख मास में केवल एक लोटा जल दान करने से मिल जाती है। धन्य हो प्रभु, एक लोटा खाली हम जल दान कर दें किसी प्यासे को, एक गिलास पानी पिला दें, एक बोतल 10 रुपए की भी खरीद के दे दें, तो उससे भी हमारा जो जीवन है वो धन्य हो जाता है। जो जलदान में असमर्थ हैं ऐसे ऐश्वर्य की अभिलाषा रखने वाले पुरुष को उचित है कि वे दूसरों के लिए इसके लिए प्रेरित करें। खुद नहीं कर सकते, दूसरों को तो कह दें, दूसरों को जलदान का महत्व तो समझा दीजिए। यह सब दानों में बढ़कर हितकारी है। जो मनुष्य वैशाख मास में मार्ग पर चलते हुए, सड़क पर चलते हुए यात्रियों के लिए प्याऊ लगाता है वो विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। तो हे नृपश्रेष्ठ, प्रपादान यानी प्याऊ का दान देवताओं, पितरों, ऋषियों को अत्यंत प्रिय है। तो जो प्याऊ लगाकर थके मांदी जो पथिक हैं, जो यात्री हैं, उनकी प्यास बुझाता है, उस पर भगवान ब्रह्मा विष्णु और शिव सभी देवी देवतागण प्रसन्न होते हैं। वैशाख मास में जल की इच्छा रखने वालों को जल पिलाना, छाया चाहने वालों को छाता देना चाहिए। जो पीड़ित महात्माओं को प्यार से शीतल जल प्रदान करता है उसे उतनी ही मात्रा से 10,000 राजसूय यज्ञों का फल प्राप्त होता है। धूप और परिश्रम से पीड़ित व्यक्ति को जो पंखा झुलाकर शीतलता प्रदान करता है वह निष्पाप होकर भगवान का पार्षद बनता है। और जो मार्ग में थके हुए श्रेष्ठ द्विज को
वस्त्र से भी हवा करता है, कुछ नहीं है तो अंगोछे से ही हवा कर दी, तो वो भगवान विष्णु के लोक को प्राप्त करता है। और जो अच्छे मन से, शुद्ध मन से ताड़ का पंखा देता है, उसके सारे पापों का शमन हो जाता है, ब्रह्म लोक को जाता है। और जो विष्णु प्रिय वैशाख मास में पादुका दान करता है, चप्पलों का दान करता है, वो विष्णु लोक में श्री चरणों को प्राप्त होता है। जो मार्ग में अनाथों के ठहरने के लिए विश्रामशाला बनवाता है, उसके पुण्य फल का वर्णन तो किया ही नहीं जा सकता है। भयंकर गर्मी में दिन के समय में आए हुए ब्राह्मण अतिथि को यदि कोई भोजन दे तो उसे अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। वैशाख मास में तेल लगाना, दिन में सोना, कांसे के पात्र में भोजन करना, खाट पर सोना, घर में नहाना, निषिद्ध पदार्थ खाना, दो बार भोजन करना, रात में खाना खाना, इन 8 बातों का त्याग करना चाहिए। वैशाख में व्रत का पालन करने वाला जो व्यक्ति है, वो जो है पत्ते के ऊपर भोजन करता है, वो सब पापों से मुक्त हो विष्णु लोक को जाता है। जो विष्णु भक्त वैशाख मास में नदी स्नान करता हो, वो 3 जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। जो सूर्योदय के समय किसी समुद्र गामनी नदी में वैशाख स्नान करता है, वो 7 जन्मों के पापों से तत्काल मुक्त हो जाता है। सूर्यदेव के मेष राशि में आने पर भगवान विष्णु का वरदान प्राप्त करने के उद्देश्य वैशाख मास का जो है वो स्नान का व्रत करना चाहिए। स्नान के अनंतर भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। स्कंद पुराण में बताया गया है कि मैरत नामक एक विलासी अति जितेंद्रिय राजा वैशाख स्नान मात्र से वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। तो वैशाख मास के जो देवता है भगवान मधुसूदन स्वयं है, उनसे इस प्रकार की प्रार्थना करनी चाहिए कि हे मधुसूदन, हे देवेश्वर माधव, मैं सूर्य के मेष राशि में स्थित होने पर वैशाख मास में प्रातः स्नान करूंगा, आप इसे निर्विघ्न पूर्ण कीजिएगा, मेरी मदद कीजिएगा। 1 मास तक, वैशाख मास तक पूरा व्रत रखकर गोदान करने वाला भीम व्रत के प्रभाव से श्री हरि के स्वरूप हो जाता है, भगवान विष्णु के स्वरूप हो जाता है। इतना महत्व बताया गया गोदान का भी। अति उत्तम और पवित्र मास है। नियमों का पालन करने वाले व्यक्ति जो है, वो जो ये लोक है, ये लोक, इसके सुखों को भोग करता हुआ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चारों पुरुषार्थों को भी प्राप्त कर लेता है। अतः आप सभी को, हम सभी को वैशाख मास के सदाचार नियमों और धर्मों का पालन करना चाहिए। तो आज से सोच लीजिए कि भरी दोपहरी में आपके घर में कोई भी गेस्ट आए तो अपने हाथ से जल अवश्य पिलाइएगा उसको। कोई मांगने आ जाए तो उसको कुछ ना कुछ